Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आ गया है इतनी देर, आधा घंटा हो गया मेनू बाहर खड़े नु। भाई ये स्कोन है, मेरे फुफ्फी का करनी है। तुम्हारी एक सारी है। और बेबी कैसे हो? जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। अच्छा तुम भी प्रेग्नेंट हो? आप आपको पता है बीवी की तरफ देख के हंसना भी इबादत है, बशर्ते कि बीवी अपनी हो। फरमाते हैं कि जिन लड़कियों के नाखून लंबे होते हैं उनकी नाक हमेशा साफ रहती है। गिनूंगी अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं जहर खा लूंगी। एक दो तीन चार पाँच छ सात, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आपने मुझसे बात तो की। भाईजान मुझे थोड़ी सी जल्दी, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले बिल जमा करवा लूं। नहीं नहीं भाई साहब, से हम भरे लाइन में लगो। जाओ भाई जान पीछे जाओ। जी माँ, तबीयत बुखार है अभी थोड़ा सा, जिस्म में भी दर्द है, छींके नहीं रुक रही, अभी भी आ रही है। बाजीगर में नो नो। ओ आगे ना जाओ, शिकार हो रहा है। शिकार तो शेरों का होता है, कुत्तों का नहीं। भाई हाँ भाई, साली और घरवाली में क्या फर्क है? यार जो जूता चुराए वो साली और जो जूते से मारे वो घरवाली। लाइट कहाँ से आती है? सर मेरे मामू के घर से। वो कैसे? जब भी घर में लाइट जाती है अब्बा बोलता है सालों ने बिजली बंद कर दी। बेबी मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ तो बेबी, फिर मैं क्या बनूंगा? मामा। ओ नाइस। वैसे तू भी इतना स्मार्ट है, तेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? यार ये खूबसूरत लड़कियों को ना सिर्फ पागल लड़के पसंद आते हैं। पर मेरा वाला पागल नहीं है। तू खूबसूरत भी नहीं है। ये सारे झोलमझाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तुम। जी मिसाली शोहर कौन होता है? मिसाली शोहर वो होता है जो बीवी के तानों को तरानों की तरह सुने।